Beautiful. जी तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। धन्यवाद मैम साहब। तुम्हारा नाम क्या है? जी बंसी। तुम यहीं के रहने वाले हो? वो जो पहाड़ी है ना? हाँ? उसके 10 पहाड़ियों बाद हमारा गांव है। अच्छा, लेकिन तुम जैसे कलाकार को तो शहर में होना चाहिए। बहुत पैसे मिलेंगे ऐसी बांसुरी बजाने के लिए। नहीं नहीं, हमें तो शहर वालों से बहुत डर लगता है। मुझसे भी? नहीं, आप तो वैसे नहीं है। गुड। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे रोज आते हो? हाँ। अच्छा हम चलते हैं। एक मिनट बंसी, वहाँ पे खड़े रहना। वहाँ पे? क्योंकि हम आपकी तस्वीर खींचना चाहते हैं। भला क्यों? क्योंकि कल हम आपको ये तस्वीर देने आएंगे और बदले में आप हमको एक मीठी सी धुन सुना देना। सुनाओगे ना? ठीक है। अच्छा चलो वहाँ पे खड़े हो जाओ। जाओ। हाँ, जाओ। पिंकी? हाँ? ये लड़का? ये तो बंसी है जिसकी मैं बांसुरी की तारीफ कर रही थी। बेचारा बहुत भोला है। भोला नहीं, एक नंबर का चालू है। चालू। और इसका नाम बंसी नहीं, बंटी है। बंटी? बंटी कौन? अरे मुंबई से एक और कॉलेज का टूर आया हुआ है, उसी में आया हुआ है। साला मुझ पर भी लाइन मार रहा था। इम्पॉसिबल, मैंने उसे खुद उन गाय भैंसों के बीच बांसुरी बजाते हुए देखा है। और तुमने ये सच समझ लिया? लगता है तुझे अब बंटी के दर्शन करवाने ही पड़ेंगे। चल मेरे साथ। अरे ग्वाले का बेस तो मैंने इसलिए बदला था ताकि कोई अच्छी सी गांव वाली फंस जाए, लेकिन मुझसे तो शेर वाली फंस गई यार। अरे कसम से, क्या लड़की थी, क्या बाल थे, क्या आंखें थी, क्या टांगे थी, क्या सेक्सी थी यार। और कल वो फिर आने वाली है मुझे पट्टे देने, और कल तो उसे छोड़ेंगे नहीं, पटा ही लेंगे। पटाएगा माय पुट। अगर मैंने भी इसे धूल नहीं चटाई ना तो मेरा भी नाम पिंक नहीं। हाय, बाय। तुम तो वो गाय और बेसिकली आई एम अ नाइस गाय। ओके। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? एक ही दिन में तुम ग्वाले से ट्रैक सूट वाले कैसे बन गए? वो क्या है ना कि जब से मैंने एक लड़की को देखा है मेरे दिल में कुछ 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 होने लगता है। होने लगता है। गुदगुदी सी होती है ना? हाँ। और अब तक तो नींद भी उड़ गई होगी। हाँ। अरे और उसे देखकर दिल धड़कता है। वाह, तुम्हें किसी से प्यार हो गया है ना? हाँ? हाँ। तो उसे जाकर कह दो ना कि आई लव यू। आई लव यू? अरे मुझे नहीं, उससे कह दो कि आई लव यू। आई लव यू।
क्यों क्या हुआ? अरे पिंकी, इस बेचारे को तो चोट आ गई। हाँ तो अच्छा ही हुआ ना, कम से कम किसी दूसरी लड़की के दिल को तो चोट नहीं पहुंचाएगा। चलो सुबह उठो। कल के मैच का क्या होगा यार? डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज कॉलेज के बंटी और नेहरू कॉलेज के के सुंदरम के बीच में आज टेनिस मैच होने वाला था, मगर बंटी के हाथ में चोट लगने के कारण वो शायद ये मैच नहीं खेल पाएगा। इसीलिए शायद के सुंदरम को विजेता घोषित। सर, मैं खेलूंगा। व्हाट? मगर बंटी, तुम्हारा हाथ। मैं खेलूंगा सर। ओके। प्ले। 15 लव। 14 लव। 40। Game goes to K. Sundar. थैंक्स सर। सर, मुझे खुशी तो तब होगी जब मिस पिंकी अपने हाथों से मुझे ट्रॉफी देंगी। मिस पिंकी, यहाँ आइए प्लीज। I'm sorry. सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा? कैसी सजा? शाम की चाय मेरे साथ पीनी पड़ेगी। ओके। हेलो अजीत। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं आलोक बोल रहा हूँ। हाँ आलोक। आलोक, अरे मेरे भाई, तू कैसा है? अरे कहाँ से बोल रहा है? गांव से, कल आ रहा हूँ। क्या, कल तू आ रहा है? अरे मैं तुझे स्टेशन लेने आऊंगा। अरे मैं क्या, सब लोग आएंगे। गाड़ी सुबह आती है। हाँ हाँ फोन लगता हूँ। ओके। क्या बात है जी? दीदी, आलोक आ रहा है, मेरा यार। आलोक? आलोक भैया आ रहे हैं? हाँ। How nice! कितने सालों बाद मुलाकात होगी, कितना अच्छा होगा ना भैया। Oh my God, मुझे फैक्ट्री जाना है, मैं शाम में मिलती हूँ। बाय। बाय, जल्दी आना। अरे भाई क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। आशा, आलोक आ रहा है और साथ में शोभा भी आ रही है। शोभा भी आ रही है? हाँ। बरसों हो गए उसे देखे हुए, अब तो कितनी बड़ी हो गई होगी ना। हाँ। अब इस घर की बहू बनने लायक भी हो गई होगी। आने दो आलोक भैया को, मैं उनसे कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को हमारे बेटे की दुल्हन बनाकर हमारे घर भेज दो, है ना? आशा, आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी की देन है। हाँ। अजीत, आलोक भैया। अरे 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 मेरे भाई, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मजे में हूँ यार। अरे तूने तो अभी फोन किया था कि तू कल आ रहा है। भाई साहब ने जरूर सामने वाले बूथ से फोन किया होगा, इनकी मजाक करने की आदत तो गई नहीं ना। भाभी, आपके बाल जरूर सफेद हो गए लेकिन अकल अब भी जवान है। ये शोभा ही है ना? बिल्कुल, आप ही की अमानत है। जीती रहो।
कितनी प्यारी आंखें हैं, कितने प्यारे होठ हैं, कितना सुंदर चेहरा है, नजर न लग जाए। भाई बंटी नजर नहीं आ रहा है, जरा हम भी तो देखें अपने दामाद को। बंटी कॉलेज के दोस्तों के साथ यूथ फेस्टिवल में गया हुआ है। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, मैं तुझे उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। अच्छा। ये देखो। हाय। What hi? तुम्हें पता है? तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। Okay बाबा, I'm sorry. दरअसल सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, उसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन एक बात फ्रैंकली बता दूं, मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ, जो मन में आता है वही कर देती हूँ, बस यही बुराई है मुझ में। I'm sorry. तुम भी पागल हो, कभी चोट देती हो और कभी फूल। तुमने भी तो ग्वाला बनकर मुझे बनाया था। तुम बनी, मैंने बनाया, लेकिन तुमने भी मुझे गिराकर लड़कियों के सामने मेरी इंसल्ट की थी। देखो वो बात मुझे याद मत दिलाना, हाँ अपनी इंसल्ट याद है, ये याद नहीं कि तुमने ग्वाला बनकर मुझे बेवकूफ बनाया था और अपने दोस्तों के साथ पता नहीं क्या कह रहे थे। देखो पिंकी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें पता है उस वक्त मेरे दोस्तों के सामने मैंने कितनी इंसल्ट फील की थी। तुम सब लड़के एक जैसे हो, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो अपने आप? शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप। आई एम सो सॉरी, दूर से तो नहीं लगी? लगी तो है मगर यहाँ पे। देख शोभा भाई, हमारे बेटे का तो गुस्सा हर वक्त नाक पे रहता है, मेरा मतलब है तुम दोनों की कैसे बनेगी? प्यार से निभेगी, प्यार से तो जानवर को भी जीता जा सकता है, फिर वो तो इंसान है। क्यों दीदी, कैसी रहेगी जोड़ी? अरे शोला और शबनम का मिलन होगा तो नतीजा अच्छा ही होगा ना। अरे अरे तुम बैठो, शोभा जरा देखो तो बेटा फोन। जी मैं? हाँ, अब इस घर को अपना ही घर समझने लगो, उठा उठा। हेलो। हाय मॉम। बॉम कहाँ है? बॉम? हाय बॉम नहीं, हाय मॉम। देखो हमें नहीं चाहिए कोई बॉम, बॉम रॉन्ग नंबर। हाँ बॉम, लगता है कोई आतंकवादी है। हेलो कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रही हो? मैं इस घर की बहुरानी बोल रही हूँ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मैं बहुरानी बोल रही हूँ। नौकरानी? नौकरानी समझ रहा है इसको? नहीं आई होगी शायद। देखो नौकरानी, मैं बंटी बोल रहा हूँ। आंटी, पर तुम्हारी आवाज तो अंकल जैसी है। ओ गॉड, फ्रॉड? क्या हम तुम्हें फ्रॉड लगते हैं? देखो नौकरानी, माँ को फोन दो। माँ? माँ का तो कब का स्वर्गवास हो गया। क्या कह रही हो तुम? और पता है मेरे पिताजी ने दूसरी शादी भी नहीं की। मैं तेरी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। देखो मैं अजीत कुमार का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ हेलो बंटी, मैं बुआ बोल रही हूँ। बुआ? बुआ कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बुआ, बुआ ये नई नौकरानी कब रखी? ये नौकरानी नहीं बहुरानी है। कौन सी रानी? अरे बहुरानी। एनीवे बुआ, मैं बहुत जल्दी आप सबको सरप्राइज देने वाला हूँ। अरे क्या बोल ना, जल्दी बोल, अभी बोल। अभी नहीं बुआ, लाइन क्लियर नहीं है, मैं घर आकर बताऊंगा। अच्छा बुआ बाय। अरे बंटी। ओ अरे ये आंटी नहीं बंटी है, अतुल के घर का नाम बंटी है, समझी ना? जी। आशा, मैं उसे फोन पर बहुरानी बहुरानी कह रही थी, लेकिन इतने डिस्टरबेंस थी कि वो नौकरानी नौकरानी कह रहा था। कुछ सरप्राइज देने की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, आने दो उसे, अब हम सरप्राइज देंगे उसे। हाँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, सीधा मंदिर ले आयो, इरादा क्या है? उफो, चलो ना। इस मूर्ति के सामने जो भी सच्चे दिल से अपनी मन की बात कहे और फूलों की माला देवी की तरफ फेंके, और अगर वो माला देवी के गले में जा गिरे तो समझो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ताज्जुब है, तुम भी इन सब बातों में विश्वास रखती हो। बेटा तुम भले ही ना मानो, लेकिन ऐसा करने से बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होते हुए देखी है मैंने। अच्छा? कई रिश्ते जुड़ते हुए देखे हैं मैंने।
अच्छा देखो, अब मैं अपने मन में तुम्हारा नाम लेकर ये माला फेंकती हूँ, ओके? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी के नाम की माला किसी और के गले में पड़ जाए। शायद ये देवी माँ का ही कोई संकेत है। सर, गोवा का अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है, अब हमें वापस मुंबई चलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं सर? कुछ तो कुछ नहीं, चलो। अरे हो से क्या होता है, अरे सोचो बच्चों। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हो जा।
मुझे दिल में यूं बसाएगी, चुपके चुपके तू मुझे दिल में यूं बसाएगी, तुझको खबर भी ना होगी सनम। जाने जा तेरी नजर पे, तेरी अदा पे मैं हूं फिदा, शर्माओ ना घबराओ ना अब आओ ना। यही रोक दे, ये देख इसे आरडीएक्स बॉम्ब कहते हैं, रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही ये पूरा शिप का शिप उड़ जाएगा। रुक, चांगा ने शिप कब्जा कर लिया। तुम्हारे आदमियों की जिंदगी और मौत मेरी मुट्ठी में है, जहाज के साथ साथ उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए शर्त के मुताबिक 2 घंटे के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपया हमें मिल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, आपकी क्या राय है? आई एम सॉरी सर, एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मैं कानून को जुर्म के आगे सर झुकाने की राय नहीं दे सकता। सिर्फ 2 घंटे में उनका पता लगाना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से उनकी शर्त मान लेने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता है सर, रास्ता है। तुम्हारा ख्वाब मैं जरूर पूरा करूंगा। तुम्हारे सप्लाई किए हुए बम से तो अब तक सरकार के हाथ पांव ठंडे हो चुके होंगे, और मेरे बेटे रिजर्व बैंक से ताजे ताजे गर्मा गर्म नोट लेकर आते ही होंगे। ये दूसरी रिपोर्ट किसकी है? ए मच्छी मार, चल हट यहां से। ये हरकत किसने की? किसने की हरकत? तुम मेरे निशाने पे हो। ये सब मेरे निशाने पे है। इंस्पेक्टर, तू और ये सारा जहाज मेरे निशाने पे है। अरे क्या कर रहा तू? एक गोली मारूंगा, सारा का सारा जहाज ब्लास्ट कर दूंगा। अबे हिचकी। हाँ। ये क्या कर दिया? चल निकल, निकल यहाँ से। चांदा को मार दिया रे। जल्दी, जल्दी। अरे जल्दी कर रे। जल्दी, जल्दी, जल्दी। बाबू को क्या जवाब देंगे? वेलकम मेरे शेरो, वेलकम। ये है मेरे शेर बेटे, इन्हें जो काम दिया जाता है वो पूरा करके आते हैं। शाबाश शाबाश। चलो जॉन साहब को उनके हिस्से का रुपया दे दो। क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों हो? हिचकी, हिचकी, हिचकी। तेरी हिचकी बड़ी बरूस होती है। इसका मतलब है कि सारे प्लान पर पानी फिर गया है। कैसे हुआ ये? ये हम नहीं जानते पप्पू, बस इतना पता है कि हमारे कुछ आदमी भागने में कामयाब हो गए, बाकी मरने में कामयाब हो गए। ये तो वही मिसाल हुई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। ओ शट अप जगावा, तुम हमारे काम का आदमी नहीं है। आज के बाद हमारा बिजनेस रिलेशनशिप
फिनिश। इससे पहले मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। बेवकूफी मत करो। अगर गोली चलाने का इतना शौक है तो उस पर खर्च करो जिसने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। कौन है वो? उस पुलिस वाले का नाम है अर्जुन। तू आ गया बेटे? अरे क्या हुआ तुझे? किस बात पर इतना गुस्सा कर रहा है? गुस्सा तो आएगा ही ना माँ, गुस्सा तो आएगा ही। जहाज में जो मेरे हाथों हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सारे शहर में तो तेरी जय जयकार हो रही है। मेरे वही जय जयकार तो मेरे लिए गाली है माँ। उन बदमाशों में से एक आदमी भी जिंदा नहीं पकड़ा गया, वरना वो सारा गिरोह जेल के सलाखों के पीछे होता। तू हंसी रही माँ? जब से तूने वर्दी पहनी है इस माँ के जज्बात को तो भूल ही गया है तू। अरे मेरे भी तो कुछ अरमान है। मैं तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। मैंने तेरे लिए लड़की देखी है, ये देख। पसंद आई? अरे बाबा मैं तुझसे पूछ रही हूँ, पसंद आई? मगर उसकी पसंद भी तो मालूम कर ले माँ। गांव जाते ही मैं शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। हाँ दोस्त, तू शादी की तैयारियां कर और मैं बच्चा निभाने की तैयारियां करता हूँ। चलते हैं। अच्छा भाई साहब। नमस्ते। हाय मॉम, हाय डैड। अरे ये आ गया। आपको कैसे पता लगा मैं आने वाला हूँ? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था। मॉम, हाय डैड। अरे सरप्राइज तू हमें क्या देगा? सरप्राइज तो हम तुझे देंगे। क्या? हमने तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी मेरी मर्जी जाने बगैर? आप मजाक कर रहे हैं डैड। आई एम सीरियस। माँ। हाँ बेटा। बंटी, क्या मैं तुम्हारी चुप रहने की वजह जान सकता हूँ? हाँ वजह है। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की और शादी भी उसी से करूंगा। बंटी, मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है। वचन मैंने भी उसे दिया है। लेकिन मैंने 15 साल पहले वचन दिया था, जब तुम इसका मायने भी नहीं जानते थे। 2 दिन में उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर दिया कि तुमने उसे इतना बड़ा अधिकार दे दिया? क्या तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, नहीं ये तो ना सही, लेकिन मुझ पर मेरे उस दोस्त का अधिकार बनता है जिसकी बदौलत आज तुम इस छत के नीचे खड़े हो। और जिनकी बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला हमने तेरे बचपन में ही कर लिया था। फैसले बदले भी जा सकते हैं माँ। कभी नहीं। तुम हमारे बेटे हो, तुम्हें हमारे फैसले पर चलना होगा। आपका बेटा होने की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप मुझे? होश में आओ। क्या हमारे लाड प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया कि ये भी भूल के तुम अपने बाप के सामने बात कर रहे हो? तो आप क्या चाहती है, मैं आप दोनों के फैसले के सामने अपने सर झुका दूं? बंद करो ये बकवास। मैं सिर्फ हाँ सुनना चाहता हूँ। I'm sorry dad, मैं उस लड़की को नहीं भूल सकता। तुम उसे नहीं भूल सकते तो हमें भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा तो ये सिचुएशन है। दाएं पिंकी, बाएं शोभा, आगे डैडी, पीछे मम्मी। तू फंस गया बंटी। हाँ बुआ, मुझे तो लगा मैं मम्मी डैडी को पिंकी के लिए मना लूंगा, मगर वो तो उस शोभा को मेरे गले बांधना चाहते हैं। मुझे तो सिर्फ पिंकी चाहिए, दैट्स ऑल बुआ। अरे बंटी, प्यार और लगाव में फर्क होता है बेटा। तू एक बार शोभा से मिलके तो देख, शायद तुझे। बुआ आप चाहती मैं यहाँ से चला जाऊं? अरे अरे 15 दिन में पिंकी से इतना लगाव हो गया कि तू शोभा को देखना भी नहीं चाहता? ऐसी क्या बात है पिंकी में? बुआ आप पिंकी से मिलेंगी तो शोभा को भूल जाएंगी। अच्छा? क्या स्टाइल है पिंकी में, क्या चाल है, क्या आंखें हैं, क्या फिगर है, क्या ड्रेसिंग है बुआ। हाँ, ड्रेसिंग तो कमाल की है। थैंक यू बुआ, लेकिन ईमानदारी से बोलना बुआ, जितनी भी बातें मैंने पिंकी के बारे में बताई आपने क्या अंदाजा लगा है? यही कि पिंकी और शोभा में जमीन आसमान का फर्क है। पिंकी में जीने की एक स्टाइल है और शोभा में वही पुरानी सभ्यता। करेक्ट बुआ। पिंकी की आंखें खूबसूरत है तो शोभा के चेहरे पर इतना मोटा चश्मा। करेक्ट बुआ। एक लक्ष्मी है तो दूसरी चंडिका। करेक्ट बुआ। एक अपने पति के चरणों की धूल को अपने माथे पर चढ़ाने वाली है तो दूसरी अपने पति के कपड़ों पर लगी धूल को झाड़ झाड़ कर साफ करने वाली है ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब शोभा जैसी पत्नी को तो अपने दोस्तों से कैसे मिलाएगा? नहीं करेक्ट बुआ,
आपने मेरी अंदरूनी इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझा है। बहुत। और वैसे भी बुआ, मैंने पिंकी को वचन दिया है। तेरे पिता ने वचन दे रखा है, फिर तूने वचन दे रखा है। चल भाई, अब चल के ये देखते हैं कि कहीं पिंकी के पिता ने तो किसी और को वचन नहीं दे रखा। जी, मेरा नाम बंटी है और ये मेरी बुआ है। अच्छा अच्छा, अरे घबराइए नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, मैं इसकी बुआ हूँ और ये बंटी है। अच्छा, फिर? जी, बात ये है कि मेरा नाम बंटी है। बंटी है और आप इसकी बुआ जी? हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिए, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जी, भरोसा, शिकायत, मैं कुछ समझा नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? जी मैं शादी के सिलसिले में आई हूँ। क्या बकती हैं आप, होश में तो हैं? मैं पूरे होश में हूँ, बस आपकी हाँ चाहिए। देखिए, मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे आप देखने में सुंदर हैं, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। पर देखिए, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी शादी की बात कर रही हूँ, वो भी आपकी इकलौती बेटी पिंकी के साथ। What? जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या इसके माँ बाप नहीं है? है, मगर वो इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसीलिए बुआ होने के नाते मजबूरन मुझे ही आना पड़ेगा ना। तो शादी तय हो जाने के बाद क्या होगा? होगा क्या, हम बाप की मर्जी के खिलाफ कोर्ट में इनकी शादी करवा देंगे, है ना? उसके बाद? उसके बाद इसका बाप इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। जब सर पे पड़ेगी तो पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करना तो सीख ही जाएगा मेरा बेटा। इसका मतलब ये कोई काम नहीं करता? काम नहीं करता तो क्या हुआ कर्नल साहब, कर लेगा। और मान लो कि अगर नहीं कर पाया तो घर जवाई बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, आप आंख बंद करके अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दीजिए। यकीन मानिए कि आप चराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो भी मेरे बंटी जैसा दामाद नहीं मिलेगा। शट अप, मेरी बेटी है वो, कोई गाय बकरी नहीं कि किसी भी खूंटे के साथ बांध दूं। कर्नल साहब, मेरी बात सुनिए, कहीं तो कुछ कंफ्यूजन। गेट आउट। देखिए कर्नल साहब, आप ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, चलो बंटी, चाय हम अपने घर जाके पिएंगे, चलो। चल, कहती हूँ। ये क्या कर दिया बुआ? अरे मैं तो उनका इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि अपने दामाद को कुछ दान धर्म करेंगे या नहीं, लेकिन बिल्कुल कंजूस निकले। हाय। हाय। तुम यहाँ? हाँ। और ये? ये मेरी बुआ जी हैं। हाय। हाय। अच्छा, तो ये है तुम्हारी पसंद? हाँ बुआ, कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन क्या फायदा बेटे, इसके पिताजी ने तो शादी से इनकार कर दिया। क्या, चाय तक नहीं पूछी, धक्के मार के निकाल दिया। बुआ, चलो बंटी, अब चलो भी। बाय पिंकी। वो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? पापा, आपने बंटी और उसकी बुआ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? बेटे, मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन पापा, आपको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, बंटी एक अच्छा लड़का है। तुम ऐसे लड़के की वकालत कर रही हो जो मेरे टुकड़ों पर पलना चाहता है, वो एक नंबर का निकम्मा, तुम्हें क्या सुख देगा? लेकिन पापा, पापा मैं उसे प्यार करती हूँ। मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ, मैंने तुम्हारा पति चुन लिया है जो उस निकम्मे से लाख दर्जे बेहतर है, जिसकी अपनी एक पहचान है, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ उसी के साथ। लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आर्गुमेंट। तो ये आपकी जिद है? हाँ, ये मेरी जिद है और मेरा फैसला भी। मैंने भी फैसला कर लिया है कि हमारा मिलन होके ही रहेगा। जी बुआ जी, हमारे माँ बाप हमारे प्यार के बीच में दीवार बनना चाहते हैं, हम उन्हें अपने प्यार के सामने झुकने पे मजबूर कर देंगे। करेक्ट। हम उनका घर छोड़कर कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेंगे, क्यों पिंकी? वाह बंटी, क्या सही फैसला किया है तूने, तुम लोगों को तो भाग कर ही शादी करनी चाहिए। अच्छा ये बता, तेरी जेब में कितने रुपए हैं? बुआ, इस वक्त 1200। ओह वेरी गुड। और तेरे पर्स में? करीबन 700-800 होंगे, यानी कि कुल मिला के 2000 के करीब। अरे फैंटास्टिक, एक महीने का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। क्या? बुआ जी, तो मेरे एक दिन का भी खर्चा नहीं। और मेरा तो मेकअप का सामान भी नहीं आएगा इतने में। और मेकअप के बगैर तुम अच्छी भी कैसे लगोगी? लेकिन बंटी, प्यार में ये सब दिखावे के बारे में कौन सोचता है? अच्छा
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा इतना ही ना, उनके प्यार में रखा भी क्या है, तुम दोनों तो एक दूसरे को प्यार करते हो ना। एंड आई एम श्योर जब तुम घर छोड़ोगे तुम्हें 1000-1200 की नौकरी तो मिले ही मिले। देखो देखो वो बस स्टॉप, ऐसे ही किसी बस स्टॉप से बस पकड़ना। तेरे बच्चे जिएंगे माई, हाँ भूखा हूँ माई, खा लेना। खुश रहे माई खुश रहे। कभी जब भीड़ ज्यादा होगी तो धक्के धुक्के लगेंगे, कोई बात नहीं, प्यार में सह जाना ना। तुम ऑफिस लेट पहुंचोगे तो मालिक डांटेगा। अरे तो क्या हुआ, माँ बाप की डांट खाने से तो अच्छा है कि मालिक की डांट खाए। तुम दोनों थके मांदे घर पहुंचोगे, भले ही रोटी रूखी सूखी होगी पर प्यार तो भरपूर होगा ना। ये रोटी है, जो भी है यही है, खाना है तो खाओ। ये रोटी है, ये रोटी है, रबर आलू या पत्थर। अगर मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो होटल से मंगा लो। मेरे पास इतने पैसे का कि होटल से मंगा लो। पैसा पैसा पैसा, अगर पहले पता होता कि पैसों की इतनी अहमियत है तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज भले ही तुम्हारे पास रहने को आलीशान बंगला है, घूमने को गाड़ी है, खाने को पकवान है, पर ये सब बातें प्यार के आगे कोई माने नहीं रखती। प्यार में ऐशो आराम तो भूल जाने पड़ेंगे। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी, इनके बगैर तो हम मर जाएंगे। हाँ ये तो है, आज की दुनिया में पैसे के बगैर जीना बहुत मुश्किल है ना। कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिससे हमारा ऐश आराम भी ना जाए और हमें एक दूसरे का प्यार भी मिले। हाँ एक फॉर्मूला है, बताओ ना बुआ। जहाँ तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वहाँ तुम दोनों शादी कर लो। वाह बुआ क्या आइडिया दिया, हम अपनी शादी की बात कर रहे हैं। सुनो तो आगे मैं क्या कह रही हूँ, शादी के बाद तलाक नहीं होता क्या? तलाक तलाक, हाँ तलाक। अब फॉर्मूला गौर से सुनो, शादी के बाद तुम अपने पति का और तुम अपनी पत्नी का जीना हराम कर दो, इतना परेशान कर दो दोनों को कि दोनों खुद ही तुमसे तलाक ले लें। फिर तुम अपने माँ बाप से कहना कि तुम्हारी मर्जी से जी कर देखा हमारा क्या हाल हुआ है, अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे, उसके बाद तुम दोनों शादी कर लेना। अरे बुआ, 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 बुआ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, जीना हराम कर रखा है इस हरामजादे ने हमारा, ना ही तो ये पैसों से फूटता है और ना ही हमारे साथियों से टूटता है, समझ में नहीं आता क्या इलाज किया जाए इसका। डोंट वरी, ऐसे ऑफिसर का इलाज मेरे पास है डैडी, मैं उसके पीछे साई की तरफ पड़ जाऊंगा और मौका मिलते ही उसे कुत्ते की मौत मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खून की होली क्यों ना खेलनी पड़े। हमारा रिश्ता तो तय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? तुमने जवाब नहीं दिया। शादी के बाद तलाक नहीं होता क्या? शादी के बाद तलाक नहीं होता क्या? शादी के बाद तलाक नहीं होता क्या? हाँ, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत आजाद ख्यालों की लड़की हूँ। और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा काम है मुजरिमों को कैद करना, अपनी पत्नी की आजादी को नहीं। तो फिर ठीक है भाई, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी अपने होने वाले दामाद से दो एक बातें कर लूं। ओके पापा। बेटे मैंने पिंकी को बाप ही नहीं मां की तरह भी पाला है, मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ सकते हो। मैं समझता हूं, मैं वादा करता हूं कि पिंकी पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, न दुखों की न हालात की। गुड, तुम जानते हो मैंने तुम्हें ही पिंकी के लिए क्यों चुना है।
क्योंकि मेरी नजर में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो पिंकी की नादानियों और उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर सकते हो। डोंट वरी। रास्ता ये सीधा नहीं शादी रे पंछी आजाद बन जाए कैदी रे Yeah!
बुआ, बुआ। हाँ, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बुआ, तुम्हारे कहने पे मैंने शादी तो कर ली। बहुत अच्छा किया, सुखी रहे। शोभा बड़ी प्यारी लड़की है। क्या बुआ, प्यारी बोल के दिल पे आरी मत चलाओ। भूल गए अपना वादा? कुछ ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे आज ही रात बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाए। अच्छा अच्छा, तो तू नफरत के फॉर्मूले की बात कर रहा है। इतना सुन, अब जब तू कमरे में जाएगा ना, तो वो शर्मा कर लजा कर घूंघट निकाल कर बैठी होगी। हट, खबरदार जो उसका घूंघट उठाया तो। कहना कि मैं जा रहा हूँ, तो वो पूछेगी स्वामी कहाँ जा रहे हो, तो कहना कि मैं कैबरे डांसर के पास जा रहा हूँ। यूं कह के सामने ऐसे पाँव रख के हंसना। तो फौरन पाँव पकड़ लेगी और कहेगी न जाओ सैया छुड़ा के बैया। शोभा तू अब तो भाग जा। बुआ यू आर ग्रेट बुआ। सुनो, सुनो, तुम सो जाना, मैं बाहर जा रहा हूं। मैं बाहर जा रहा हूं, तुमने सुना नहीं? मैं बाहर जा रहा हूं। तो जाइए ना। तुम ये नहीं पूछे कि मैं कहां जा रहा हूं? मैं जानती हूं आपको बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। मैं भीगने नहीं, कैबरे वाली के पास जा रहा हूँ। कैबरे वाली? कैबरी चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी खाऊंगी। कैडबरी चॉकलेट नहीं, नाचने वाली, गाने वाली। लेकिन आप क्यों नाच रहे हैं? आपके पैर में मोच आई है क्या? मोच नहीं, इसे मौज उड़ाना कहते हैं। वैसे भी तुम गांव वालियों को क्या मालूम, नाचने वाली अप्सराएं होती हैं। अप्सराएं वो अपनी खूबसूरत खूबसूरत टांगे दिखाती हैं। कितनी दिखाती हैं? इतनी दिखाती हैं? ना, नीचे करो। गले से लिपट जाती हैं, गोद में बैठ जाती हैं। आहा, क्या मजा आता है। और क्या क्या करती हैं? तुम्हें कुछ होता नहीं है सब सुन के? होता है ना। क्या? मजा आता है। मजा आता है? हाँ, और क्या क्या करती हैं? मेरा सर। बुआ, क्या बता दिया तूने? मैं बुआ नहीं हूँ, शोभा हूँ। मालूम है, अब आप सो जाइए, वो कैबरे वाली मेरा इंतजार कर रही है। अरे ठहरिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? मैंने कह दिया ना नहीं जा सकते। कहना कि मैं कैमरे डांसर के पास जा रहा हूँ, तो फौरन पाँव पकड़ लेगी। इसे भी साथ ले जाइए। छाता? हाँ, बाहर बारिश हो रही है ना। हाँ। आप भीग जाएंगे, फिर जल्दी भी नहीं पहुँच सकेंगे। ठहरिए। अब क्या हुआ? हाथ ऊपर लाइए। हाथ ऊपर लाइए। हमारे गांव में जब भी कोई नाच देखने जाता है ना, तो ऐसे गजरा बांध के जाता है। अब आप जाइए, सुबह आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, जाइए ना। इसका
के होना खुदा। जैसे कि तुम जानते हो, मैं एक आजाद ख्याल की लड़की हूँ। मुझे हर रात डिस्को जाने की आदत है। मैं गोल्डन डिस्को जा रही हूँ। वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाहो तो तुम भी आ सकते हो। बाय द वे, सुहाग रात मुबारक हो। थैंक यू। ये है साले अर्जुन की नई नवेली दुल्हन। हालो साली को, कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। गेट लॉस्ट बेबी, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कम ऑन डांस विद मी, कम ऑन। ऑल राइट, dance with my wife. हरकत की वजह मैं जान सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक आजाद ख्याल की लड़की हूँ। आजादी का मतलब यह तो नहीं कि तुम अपनी सभ्यता को भूल जाओ। तुम इस घर में बहु बनकर आई हो, मेरी पत्नी बनकर। मैं चाहूंगा कि तुम इस मंगलसूत्र की मर्यादा में रहो। मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर ये मत समझना तुमने कोई कुत्ते का पट्टा डाल दिया है, जो तुम्हारे इशारों पर दुम हिलाती फिरूंगी। इसे कुत्ते का पट्टा कहकर इसकी बेइज्जती मत करो। इस पवित्र बंधन को समझने की कोशिश करो। ये मत भूलो कि हमने अग्नि के सामने फेरे लिए हैं एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मंगलसूत्र पति पत्नी के बीच एक पवित्र बंधन है। संभालो इसे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखेंगे अंजाम क्या। पप्पू 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 पप्पू, क्या है? आशू पकड़ा गया। पप्पू क्या बकवास कर रहे हो? हाँ पप्पू, ये देखो अर्जुन सबने पकड़ लिया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब है
कि इंस्पेक्टर अर्जुन आशु से सब कुछ खुलवा लेगा। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। हमको जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी होगी। लेकिन बाबू हम जाएंगे कहाँ? गुड मॉर्निंग माँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बेटा नाश्ता तो कर ले। नहीं माँ, बहुत देर हो जाएगी। अरे ये तो खा के जा, ये ले। अरे हाँ माँ, कल सुबह मैं खंडाला जा रहा हूँ किसी केस के सिलसिले में, दो चार दिन बाद आऊंगा। ओके अर्जुन, जब से तुम दोनों की शादी हुई है तू बहू को लेकर कहीं नहीं गया, अब तू जा ही रहा है तो इसे भी अपने साथ ले जा। मगर माँ मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, पिकनिक पे नहीं। ड्यूटी तेरी 8 घंटे की है, उसके बाद क्या करेगा? ठीक है माँ, ठीक है, कल सुबह चलने के लिए तैयार रहना। बुआ, बुआ बहुत हो चुका, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। ले पानी पी ले। क्या मजाक कर रही है बुआ, मैं शोभा के साथ एक दिन नहीं रह सकता, मुझे पिंकी चाहिए, पिंकी। ओफो, तू बचपन में भी ऐसे ही किया करता था कि बुआ मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। और तू थपथपा के सुला देती थी, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और अगर मुझे ना मिला तो तू देख लेना। क्या देखूं बेटा, तू बेचारा कर भी क्या सकता है, न तू ये घर छोड़ सकता है, न भूख हड़ताल कर सकता है और न ही आत्महत्या कर सकता है। अच्छा बता, तू विस्की पीता है या बियर? क्या बुआ, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ और तू अरे बुद्धू, फॉर्मूला ही तो समझा रही हूँ तुझे। देख, तू शोभा के सामने शराब पीने का नाटक करना, वो ठहरी गाँव की लड़की, वो शराब को जहर समझती है, तुझे रोकने के लिए वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तेरे पाँव पकड़ लेगी। ये तो तूने पहले भी कहा था, लेकिन पैर पकड़ना दूर, उसने तो हाथ में छाता पकड़ा दिया था। अरे बेटा, यही तो नफरत की पहली सीढ़ी थी, मतलब कि चिंगारी भड़क चुकी है, और अब जब तू शराब पीकर उसके बाल पकड़कर उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देगा तो मैं उसके लिए विलेन बन जाऊंगा, नायक से खलनायक बन जाऊंगा। पहले वो चाल, फिर ये चाल, फिर नो चाल, फिर तलाक, उसके बाद पिंकी के साथ सुहागरात होगी, पिंकी दुल्हन के रूप में होगी, और सिर्फ पिंकी और मैं और पिंकी। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? शराब पी रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको और शराब नहीं पीने दूंगी। तो होती कौन है रोकने वाली? आपने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, पर मैं तो जन्म जन्म से आपको अपना पति मानती हूँ। आपको मेरी कसम, मुझसे वादा कीजिए फिर कभी इसे हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, पर इस शराब को नहीं। मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, शराब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कच्ची शराब पीना बहुत खराब होता है। इसमें थोड़ा सोडा मिलाइए, थोड़ी बर्फ डालिए, और मैं आपके लिए नमकीन, मेरा मतलब है काजू तल कर लाती हूँ, फिर इसे पीने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है। मैं अभी आई। क्या हुआ बुआ? बुआ, अरे शोभा बता तो सही क्या हुआ? हाँ? बुआ मुझसे और नहीं देखा जाता बुआ, और नहीं सहा जाता मुझसे, पर बता तो सही। सुहागरात से लेकर आज तक मैं अपने पति की हर बात को हंसी में टालती रही, लेकिन आज मुझे दुख पहुंचाने के लिए वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं बुआ। बुआ उन्हें शराब के नशे में डूबा हुआ देखकर आज मेरे दिल को जो चोट पहुंची है, कैसे बताऊं? यकीन कर बेटा, ये सब देखकर मेरा दिल भी रोता है, लेकिन रोने वाले का साथ आंसू भी नहीं देते, ठलक कर आंखों से गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो पिंकी तेरे पति को तुझसे छीन ले, तुझे उसे पाना होगा, उसकी हर जिद का मुकाबला करना होगा। एक दिन अपनी जिद के आगे वो खुद ही हार जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुझे भोलेपन का नाटक करने की सलाह दी थी। लेकिन बुआ,
बंटी तो कोई नाटक नहीं कर रहा, उसने उसने तो आज सचमुच शराब पी है, और शराब पीने से घर बर्बाद होते हैं, आबाद नहीं। तो तू क्या समझती है, मैं तेरा घर बर्बाद होने दूंगी? मैं तुझे हेलो हेलो बुआ, मैं पिंकी बोल रही हूँ। हाँ पिंकी बुआ, बंटी है क्या? बंटी तो घर पे नहीं है, बोलो क्या काम है? आप अपना फॉर्मूला भूल गई क्या? अच्छा अच्छा, वो अपना तलाक वाला फॉर्मूला। कल अर्जुन और मैं खंडाला जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि बंटी भी वहाँ पे आए। वैसे तुम कहाँ रहोगी? हम लोग पुलिस क्वार्टर्स में ठहरेंगे, और आप बंटी को वहीं पे भेज दीजिए। हाँ मैं बंटी को जरूर भेजूंगी। ओके बाय। कमाल की लड़की है ये पिंकी, खुद तो खंडाला जा रही है अपने पति के साथ, बंटी को भी वहां बुलाया है। ऐसी हिम्मत वाली लड़कियां ही जिंदगी में कुछ कर सकती हैं। देखना, अपने आशिक के लिए वो इतने चक्कर चला सकती है, तो तू अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती? कर सकती हूँ बुआ, करूंगी। मैं अपने पति को पाने के लिए सब कुछ करूंगी। ये क्या किया बुआ? चांद पे ग्रहण लगा था, सो उतार दिया। ये एक बैग तो मेरा है, दूसरा किसका है? शोभा का। तू क्या समझता है, तू अकेले वहां जाएगा और बहू यहाँ रहेगी? लेकिन माँ, वो आप ही कुछ बोलो ना। क्या बोलूं बेटा, हम जो भी करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे, समझा ना? बिल्कुल, और इसी बहाने शोभा अपना फार्म हाउस देख लेगी। हाँ, है ना? हाँ माँ जी। अरे सुनो, ये तो लेते जाओ, वहां ठंड लगेगी बेटा। जी। चले चले। Thank you.
आंटी। हाय शोभा। शोभा? मैं तुम्हें शोभा लग रही हूँ? मेरा मतलब है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत शोभा दे रही है। अच्छा ठीक है, चलो। जाने दो। चलो जाने दो। हाँ इट्स ओके। भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो देखिए, इधर आपका ड्यूटी का टाइम खत्म और उधर भाभी हाजिर। भाई मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ठीक फरमाया। कहाँ जा रहे हो? कमाल करते हैं, भाभी आई है। कम से कम तू ड्यूटी संभाल, मैं बाकी संभालता हूँ। हाय, भाभी को यहाँ लाने का शुक्रिया। भाभी? मगर ये समझ गया। तुम यही पूछना चाह रहे हो ना कि ड्यूटी से फ्री हुआ कि नहीं। सो हो गया हूँ। अब मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर जा रहा हूं, तुम अपने घर जाओ। चलो। See you tomorrow. भाभी, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि वो लड़का मेरे साथ कौन था? चलो मैं ही बता देती हूं, वो लड़का मेरा प्रेमी था। जब तुम्हें उस लड़के से प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले जब मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी तो हां क्यों कहा था तुमने? यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी कि नहीं? जवाब दो, जवाब दो। यह मंगलसूत्र का पवित्र बंधन जो हमारे रिश्ते को बांधे हुए, मैं पूछता हूं क्या मतलब है इसका? जवाब दो, जवाब दो। बस मेरी जिंदगी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने के बाद अगर तुम्हारा यही जवाब है तो तुम भी मेरा जवाब सुन लो। इस पवित्र बंधन के नाते आज मैं तुम्हें प्यार का सबक सिखा के रहूंगा। तुम दोनों आजीवन पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन चुके हो, परंतु जब तक मन से मन का मिलन ना हो ये सारे बंधन बेकार हैं। मैं चाहता तो तुम्हें अभी इसी वक्त सबक जरूर सिखा सकता था, लेकिन उसके लिए तन का नहीं मन का मिलन होना जरूरी है। पर तुम्हारे मन में सिवाय छल की और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये मेरी बदकिस्मती है कि जिस लड़की के साथ मैंने अग्नि के फेरे लिए वो मेरे घर में प्यार मोहब्बत और कुर्बानी लेकर नहीं आई, बल्कि धोखा बेवफाई और मक्कारी लेकर आई है। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें यह एहसास दिला के रहूंगा कि यह शादी का बंधन कोई खेल नहीं, एक साथ जीने मरने का वादा है एक साथ जीने मरने का। यस, आइए मैडम। मैडम चर्च तक आए तो मैं जरा एक कैंडल जलाकर आता हूँ। ठीक है। थैंक यू। आ,
पागल हो गई हो? तुम्हारी इस लापरवाही से कितनी जाने जा सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था। आगे आके ब्रेक नहीं मार सकती थी तुम? अब रोना बंद करो। साहब इसमें मेम साहब की कोई गलती नहीं है, दरअसल मेम साहब को गाड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। I'm really sorry. साहब कुछ नहीं, तुम लाइसेंस और गाड़ी के पेपर चेक कर लो, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए ना अंदर तो आइए, मैं आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी, आइए ना। अरे नहीं, चलिए ना, चलिए ना, आज लेट हो रहा है, फिर कभी आऊंगा। आई प्रॉमिस फिर कभी आऊंगा। एक कप चाय तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते जाइए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, प्लीज जल्दी ले आइएगा। मैं अभी लाई। तुम? मेरी पत्नी के साथ तुम यहाँ? ऐसे लेकिन मैंने तो तुमसे ये सवाल नहीं पूछा था, जब तुम मेरी पत्नी के साथ मुझे चेक नाके पर मिले थे। अच्छा तो तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? अगर तुम इस मुलाकात को बदला समझते हो तो समझो मैंने बदला ले लिया। क्या? ये लीजिए प्रसाद। अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी ये लो, लो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे आपको क्या हुआ? देखो किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारा आना जाना मुझे पसंद नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? लेकिन पता है इंस्पेक्टर अर्जुन ने आज मुझे एक हादसे से बचाया। क्या हुआ, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बुआ, चोट तो बंटी के दिल को लगी है, मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन के साथ देखकर। आज मैंने पहली बार बंटी की आंखों में गुस्सा देखा, जलन देखी। बुआ जलन वही होती है जहाँ प्यार होता है। इसका मतलब है हमारा खंडाला वाला फॉर्मूला कामयाब रहा है ना? ढूंढ रही है शोभा? बुआ बुआ मेरा मंगलसूत्र मुझे नहीं मिल रहा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिया। तो दूसरा खरीद लेना। नहीं बुआ, अग्नि की वेदी के सामने जो मंगलसूत्र मेरे पति ने मुझे पहनाया है, उस मंगलसूत्र की जगह कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं ले सकता। मेरा मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अगर वो मुझे ना मिला तो परेशान हूँ। आप कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन। अरे आप आइए आइए। नमस्ते जी, आपका मंगलसूत्र मेरे पास है, मेरी जीप में मिला, आइंदा संभाल कर रखिएगा कहीं फिर ये मेरे पास ना आ जाए। इसे लौटाने का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज मैं भगवान से कुछ और भी मांगती तो मुझे मिल जाता। बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी भी गैर मर्द के साथ आवारागर्दी करो। आपको आपको गलत फहमी हो रही है, ये तो सिर्फ मेरा मंगलसूत्र लौटाने आए हैं। तुम्हारा मंगलसूत्र इसके जीप में कैसे पहुंचा? ऐसा क्या कर रही थी जो तुम? शट अप, शट अप। अब तक तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी नीयत गंदी है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी जबान भी गंदी है। जो इतनी घटिया बात तुमने इतनी आसानी से कह दी। मैं यहाँ इनका मंगलसूत्र लौटाने आया हूँ, क्योंकि लौटाना ही मैंने सीखा है, लूटना नहीं। और हाँ, जो पति अपनी पत्नी से यह उम्मीद रखे कि उसका चरित्र सीता जैसा हो, उस पति को भी अपना चरित्र राम जैसा बनाना चाहिए। ओके? ये क्या, शक्कर डालना भूल गई? अभी तो दो चम्मच शक्कर डाली है। अच्छा तो फीकी क्यों है? लो टेस्ट करके देखो। पर
चाय तो मीठी है। अच्छा अब ये सचमुच मीठी है तुमने जो अपने होठों से लगाया इसे। आपको ड्यूटी पर नहीं जाना। मेरा हैंडकरचीफ। बाय। हेलो 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 पिंकी। हाँ मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। कोई खास बात है क्या? हाँ मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है कि अर्जुन और शोभा हमारा ही फॉर्मूला हम पे आजमाने वाले हैं। कि हमें करना क्या है। मैं शाम को ठीक 4 बजे तुम्हें होटल लेने का मैं मिलूंगा। ओके ओके। बुआ अब क्या होगा? इनके फॉर्मूले पर अपना फॉर्मूला आजमाना है यानी कि नहले पे दहला मारना है। एक काम कर तू पुलिस स्टेशन फोन कर। पुलिस स्टेशन? अरे करना फटाफट। नहीं नहीं बंटी मैं अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैं सच कह रहा हूँ पिंकी अर्जुन शोभा पे डोरे डाल रहा है वरना उसे घर छोड़ने क्यों आता। हाँ शोभा तो उसे जानती भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन हमारी जूती हमारे सर पे मार रहा हो। मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया है और इसकी वजह तो आप समझ ही गए होंगे। समझ गया। दिल तो नहीं चाह रहा कि ये ड्रामा करें लेकिन औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। अपने पति को किसी गैर औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कहती हो। तुम अपना घर बचाना चाहती हो और मैं अपना। तो चले चलो। आओ बैठो। इस गुलाबी साड़ी में तो तुम बिल्कुल फूल की तरह दिख रही हो। ब्यूटीफुल रोज। आप पता चला तुम्हारे पति का कैरेक्टर? 2 आइसक्रीम प्लीज। यस सर। चॉकलेट? यस सर। ये सब क्या हो रहा है? ड्यूटी। ड्यूटी? पराई लड़कियों के साथ बैठकर आइसक्रीम खाना ड्यूटी होती है? पराई? ये पराई नहीं है। यहाँ तक पहुँच गई है। सुनो बंटी। शोभा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप यहाँ कैसे? देखो बनने की कोशिश मत करो। ओए मिस्टर जो बात करनी मुझसे करो। और तुम इनसे नहीं मुझसे बात करो। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं कौन हूँ? बंटी तुमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये कुछ हद से ज्यादा बढ़ रही है। हाँ शोभा चलो घर चलो। वाओ आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद है। आप लीजिए ना बैठिए ना हम आइसक्रीम खा ले फिर चलते हैं। Shut up, चलो मेरे साथ। बाय। See you tomorrow. Bye. ये गाय बाय कब से बोलने लगी? आइसक्रीम खा लो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये मेरा टेस्ट नहीं है। टेस्ट बदल लो सुखी रहोगी। अर्जुन दिस इज टू मच। हाँ तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी गैर औरत के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में बैठकर। किस अधिकार से? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहो ना। कहो कहो पत्नी हो।
किसी गैर औरत के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में बैठकर किस अधिकार से? मैं तुम्हारी कह पत्नी हो, कह पत्नी हो। क्यों कर लिया ना समझौता? अर्जुन को अपना पति मान ही लिया ना? तो कौन सा पाप किया है मैंने? तुमने बहुत गलत किया है पिंकी। नहीं, मैं अपने पति से वफा करना चाहती हूँ। उससे वफा की खातिर क्या तू हाथ मान लेगी? जो पिंकी आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, आज झुक जाएगी। पिंकी, अर्जुन को सीढ़ी बनाकर तुम्हें बंटी को पाना है। यही तुम्हारा मकसद है और यही तुम्हारी मंजिल। यही तेरी मंजिल है पिंकी, यही तेरी मंजिल है। हाँ पिंकी, यही तेरी मंजिल है, यही तेरी मंजिल है। मेरी तस्वीर कल रेस्टोरेंट में तुम्हारे दिल में जो मैंने अपने लिए जगह देखी, ये उसी का इजहार है। ये दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अपना प्यार? एक बात कान खोल के सुन लो, प्यार कोई भीख में देने वाली चीज नहीं है, और अगर होती ना तो मैं कब का दे चुकी होती। पिंकी, अपना ये तेवर अपने पास ही रखो। ये घर है तुम्हारा, पुलिस स्टेशन नहीं। मैं जानता हूँ ये पुलिस स्टेशन नहीं, ये घर है, हमारा घर। और हाँ, मैंने अब तक अपना तेवर दिखाया नहीं। अच्छे पति की तरह मैं अपनी मर्यादा में रहा, और मैं चाहूंगा कि तुम भी एक अच्छी पत्नी की तरह अपनी मर्यादा में रहो। बस कर, बस कर। क्यों, क्या कर लोगे तुम? मारोगे मुझे? मारो, मारो, मारो ना, मारो। बहू, बहू, बेटी, मैं तुम्हें को ढूंढ रही थी। ये ले बेटी, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा। आज करवा चौथ है ना, आज के दिन अपनी मांग सुनी मत रखो। पति की उम्र कम हो जाती है। लो, क्या कह रही हो तुम? उसने तुम पर हाथ उठाया? हाँ पापा, और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? किस मुंह से बताती पापा, इसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। अगर आप अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरा मुकद्दर उस घर से न जोड़ते, तो आज मेरी ये हालत न होती। पापा, मुझे तो डर है कि एक दिन ये लोग मुझे। बस बेटी बस, मैंने तो सोचा था अर्जुन तेरी जिंदगी में खुशियां भर देगा, पर ये मेरी गलती थी। आज तक उसने बाप का रूप देखा है, अब वो एक कर्नल का रूप देखेगा। अर्जुन, अर्जुन! अरे भाई साहब, आइए आइए बैठिए। कहाँ है अर्जुन? वो अपने आप को समझता क्या है? अच्छा, तो आप अपनी बेटी की वकालत करने आए हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपकी बेटी ने। माँ, नहीं माँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? जवाब दो। इसी दिन के लिए तुमने उसके साथ फेरे लिए थे? अरे तुमने तो वादा किया था कि मेरी बेटी पर आंच भी नहीं आने दोगे। तुम जैसा इंसान ऐसी ओछी हरकत करेगा, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मुझसे भूल हुई कि मैंने तुम्हें शरीफ आदमी समझा था। अरे तुम तो पत्थर हो पत्थर, जिसके सीने में दिल नाम की चीज ही नहीं है। और इस पत्थर से अपनी बेटी का सर टकराने के लिए इस नरक में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं उसे कोर्ट से तलाक दिलवा कर रहूंगा। तू चुप क्यों रहा बेटे, क्यों रहा? तेरे चुप रहने से कर्नल साहब को कैसे पता चलेगा कि पिंकी ने कभी तुझे अपना पति स्वीकार किया ही नहीं? करवा चौथ के दिन उसने सिंदूर फेंककर पति धर्म का भी अपमान किया है। अगर ये सब तू नहीं कह सकता था तो मुझे क्यों नहीं कहने दिया? इसलिए माँ कि पिंकी की असलियत जानने के बाद कर्नल साहब के दिल को सदमा पहुंचता, जो मैं नहीं चाहता। कर्नल साहब जैसे अच्छे इंसान का टूटा हुआ दिल और झुका हुआ सर मैं नहीं देख सकता।
बेटे मैंने सब सुन लिया। बेटे बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तुम्हें पत्थर कहा पर ये भूल गया कि पत्थर भी पूजा के काबिल होता है। पापा क्या कहा उन्होंने? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे, लेकिन आप उनका यकीन मत करना पापा। वो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। और वो भी पहली बार। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मैं अपनी बेटी के कहने में आ गया। अरे तेरी वजह से मैंने उस देवता समान अर्जुन पर शक किया, उस देवी समान मां का अपमान किया। गलती मेरी थी। मेरे लाड़ प्यार ने तुझे इतना जिद्दी, घमंडी और बदतमीज बना दिया है। लेकिन दोबारा ये गलती मैं नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। बहन जी, जितना कसूर इसका है उतना ही मेरा भी है। मैं इसे बताना भूल गया था कि संस्कार और बड़ों का मान क्या होता है। आज के बाद तेरा यही घर सब कुछ है, समझी? पता नहीं माँ जी, चक्कर आ रहा है, जी घबरा रहा है और खट्टा खाने को मन करता है, जैसे इमली। देखो अचार है ना। हाँ। अरे ये अचार मैंने इसी दिन के लिए तो मंगा के रखा था। ये कौन सा अचार है पता है? खंडाला वाला, वही खंडाला वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। बुआ ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझसे क्या पूछता है, ये सब तेरी करने का फल है। अरे अजीत मिठाई तो मंगा। मिठाई, मिठाई हाजिर है दीदी। अरे वाह भैया वाह, मुँह खोलो। मैं दादा बनने वाला हूँ। और मैं दादी बनने वाली हूँ। शोभा माँ बनने वाली है और तू बाप। बाप, बाप रे बाप। बुआ कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। गधे हाँ, ये क्या किया तूने? अब जी अब क्या बताऊं बुआ, वो क्या बताएगा? बताने को रह भी क्या गया है? इसे कहते हैं किस्मत की लिखाई, आगे कुआं पीछे खाई। मगर ये सब हुआ आपकी वजह से। हाँ लफड़ा तूने किया और मेरी वजह से हुआ। हाँ अरे मैंने तो तुझे खंडाला ये सोचकर भेजा था कि तू और पिंकी मिलकर तुम्हारे बीच जो दीवार है शोभा उसे गिरा दोगे, लेकिन तूने तो उस दीवार को पहाड़ बना दिया। तरह सोच, अगर कहीं पिंकी को पता चल गया कि तेरा शोभा के साथ में, ची ची ची, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? तेरा क्या होगा? मैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। You are someone very special. हम दोनों के बीच बिछे हुए कांटों को हटाने के लिए मुझे इन फूलों का सहारा लेना पड़ा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसका मतलब तुम... लगता है तुमने औरत के दिल में कभी झांक कर नहीं देखा है। जब वो नफरत करने लगती है तो उसकी नफरत आसमान को छू लेती है, और जब वो प्यार करने लगती है तो उसके प्यार की गहराई समंदर से भी गहरी होती है। तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में
मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। आज रात एक शानदार पार्टी मेरी तरफ से। और हाँ, आज रात पापा नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनको एक अर्जेंट डिफेंस मीटिंग में जाना है। डैडी ने ये बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थैंक यू। अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना हमारी पार्टी में हम ही लेट हो जाएंगे। अभी तो रात बाकी है। कम ऑन माँ जी, एक जाम मेरे हाथों से प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या, तुमने मेरी सैंडल खराब कर दी? अब इसे साफ भी तुम ही करोगी। चलो
साफ करो। बदतमीज, जिस माँ के पैरों तले स्वर्ग होता है उसकी माँ को तो अपनी जूती साफ निकल कर रही है। छोड़ मुझे। चुप नहीं मैं ऐसे। अर्जुन कंट्रोल योरसेल्फ। कितना कंट्रोल करूं मैं अपने आप को, कितना बर्दाश्त की बेहद होती है। इसने मेरे प्यार का जवाब नफरत से दिया, मैंने बर्दाश्त किया। ये अपनी मर्यादा भूल गई, मैंने ये भी बर्दाश्त किया। लेकिन आज आज इसने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ हाँ चल जाओ, गेट आउट, गेट आउट। थैंक यू। तलाक के पेपर्स कल भेज दूंगी, साइन कर देना। ए इंस्पेक्टर, अगर हमसे हाथ मिलाया होता तो इससे भी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पास होती और दुनिया भर की दौलत तुम्हारे कदम चूम रही होती। अर्जुन बेटे, I'm sorry sir, मैं पिंकी के बारे में, मैं पिंकी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन बेटे, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। इंस्पेक्टर अर्जुन, मैं यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ और मेरी कंप्लेंट लिखना आपकी ड्यूटी है। मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी घमंडी और सरफरी है, लेकिन क्या करूं, एक बाप होना और बाप होने के नाते मुझे यह जानने का हक है कि मेरी बेटी कहां और किस हाल में है। अब तक पिंकी घर नहीं पहुंची? ये तो तुम्हारे घर पर फोन करने पर पता लगा कि पिंकी। हेलो, मैं जगावर बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर अर्जुन, मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। मेरा बेटा लेकर आओ और अपनी बीवी को लेकर जाओ, लेकिन चालाक बनने की कोशिश मत करना, सिर्फ मेरे बेटे को अकेले लेकर आना। ठीक है। वो नहीं आएगा, वो मेरे लिए कभी नहीं आएगा। अर्जुन के लिए पति पत्नी का बंधन सांसों के बंधन से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन उसी अर्जुन ने मुझे तलाक देने का फैसला किया है, यहाँ मुझे लाकर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं अर्जुन जो तुम्हारी हरकत है, तुम जहां भी हो सामने आ जाओ वरना तुम्हारी बीवी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम अकेले आए हो, मेरा बेटा कहां है? पुलिस लॉकअप में। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इंस्पेक्टर, तुम्हें तुम्हारी बीवी तभी मिलेगी जब मुझे मेरा बेटा मिलेगा। ये बात तुमने एक पुलिस ऑफिसर से कही थी, लेकिन यहाँ एक पति आया है अपनी पत्नी को बचाने। मारो इसे और तब तक इसे मारते रहो जब तक ये मेरे बेटे को वापस लाने के लिए हाँ ना करते।
मारो। आज करवा चौथ है ना, आज के दिन अपनी मांग सुनी मत रखो, पति की उम्र कम हो जाती है। अर्जुन छोड़ दे मेरे बाबू को, मेरे बाबू को छोड़ दे, मैं बोलता हूँ वरना मैं तुझे मार डालूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश, आज पहली बार मुझे यकीन हुआ कि तू मेरी ही औलाद है। थैंक यू बाबू, अब तो आपको मेरी माँ पे शक नहीं होगा ना बाबू? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बाबू, मैं इसे खत्म कर डालूंगा। बेटा इसने मेरे मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है। अरे बेटा उधर, और हमारे सारे धंधे इसने बंद कर दिए। गोली मत चला बेटी, मैं इसे मार डालूंगा। अरे इसकी अबे उन लोगों के बच्चे। अरे सॉरी बापू, मरवा दिया ना तेरी इसकी ने, सुबह की औलाद बापू। अर्जुन रुक जा, अर्जुन मैं कहता हूँ रुक जा, गोली चल जाएगी। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, अर्जुन अर्जुन मुझे माफ कर दे, नहीं अर्जुन। तुम भैया, दुनिया में हर पुलिस वाला तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता अर्जुन। अरे वाह बेटा वाह। तुमने पुलिस रिमांड में मुझे बहुत मारा था। शाबाश बेटे, शाबाश। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मारो। इंस्पेक्टर, तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है ना? ये जलती हुई रस्सी बॉम्ब के पास पहुंचे उससे पहले से बुझा दे, हो सके तो अपनी पत्नी को बचा ले। नहीं अर्जुन नहीं, मुझ जैसी जिद्दी और बदतमीज पत्नी के लिए तुम अपनी जान की बाजी मत लगाना अर्जुन। मुझे मर जाने दो अर्जुन, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। अरे इससे पहले कि बम फूट जाए, चलो चलो लपक लो झपक लो जल्दी। इसका क्या करूं बाबू? मैं बाहर है कुत्ते की औलाद। अर्जुन, अर्जुन Ah!
गांव जा तो रही हूँ मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। अरे बुद्धू, पिंकी के लिए बंटी का प्यार सिर्फ एक लगाव था जो सोडा वाटर की तरह फुस होकर बैठता जा रहा है। वो तुझे कभी छोड़ने की बात भी नहीं करेगा, यही हमारा मकसद था और यही हमारी जीत है। आखिर अपनी जिद के आगे वो खुद ही हार गया। अच्छा चल, मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। अच्छा फोन करना और संभाल के। अच्छा बोल। फोन जरूर करना। हाँ। तो ये आपकी चाल थी बुआ जी, लेकिन मैंने भी हारना नहीं सीखा। अब मैं क्या करता हूँ आप देखना। सुनिए, मैं गांव जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको मेरा गांव जाना अच्छा नहीं लग रहा। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आपके पास बहुत सुकून मिलता है। और तुम्हारी वजह से मेरा सुकून खो गया। तुमने मेरे साथ छल किया है और छल का जवाब छल होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अपने पति की खुशी के लिए मौत बनना छल है तो छल किया है मैंने। अगर अपने पति को पाना छल है तो छल किया है मैंने। लेकिन उस दिन जो हमारा मिलन हुआ, क्या वो भी छल था? वो मैं इसे खादसा था। मैं उसे भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं उस हादसे की निशानी को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। शोभा, जो कुछ भी हो उसका मुझे अफसोस है। मगर मुझे अफसोस नहीं है जब मैंने गंगा की तरह शिव की जटा में जगह पा ही ली है, तो फिर जमीन पर गिरने का अफसोस कैसा? अगर मेरे प्यार में सच्चाई होगी तो एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा। अग्नि को साक्षी मानकर अर्जुन के साथ फेरे जरूर लिए थे, लेकिन आज समझ में आया कि सुहाग क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है मां कि अर्जुन जिंदा है, पूरा विश्वास है। मुझे मेरे अर्जुन से मिला देना, मुझे मेरे अर्जुन से मिला देना। पापा अर्जुन, बेटी, इतनी ऊंचाई से अर्जुन की जीप गिरने के बाद उसके पुर्जे तक नहीं मिले तो अर्जुन की लाश। आप झूठ बोल रहे हैं पापा, आप तो हमेशा सच बोलते थे ना, फिर आज क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सब्र से काम लो बेटी, देखो मैंने अपने आप को संभाल लिया है, तुझे भी संभाल लेना होगा बेटी, तुझे भी संभाल लेना होगा। हाँ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, भगवान को शायद यही मंजूर था। मैंने ठुकराती रही लेकिन आज इन्होंने ही मुझे ठुकरा दिया, इन्होंने ही मुझे ठुकरा दिया। वो चूड़िया, वो कंगना,
बुआ, आखिर तकदीर ने हमारा साथ दे ही दिया। वहां पिंकी विधवा हो गई और यहां शोभा मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अब पिंकी और मेरा मिलन होके ही रहेगा, यही हमारे प्यार की जीत है बुआ। हाँ बेटा, मगर मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि शोभा की मेहंदी और अर्जुन के खून का रंग ये रंग लाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पिंकी, अर्जुन के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। दुनिया की नजर में तुम भले अर्जुन की विधवा हो, लेकिन मेरी नजर में तुम आज भी वही पिंकी हो जिसे हर हाल में अपनाने का फैसला किया था मैंने। मैंने शोभा से तलाक के कागजात पर दस्तखत करा लिए हैं। और उसने दस्तखत कर दिए? हाँ। तुम्हारी खुशी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है उसने, ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन ने मेरे लिए दिया था, क्योंकि मोहब्बत बलिदान देती है, लेती नहीं। हमारी मोहब्बत स्वार्थ और जिद की बुनियाद पर टिकी हुई थी, और देखा जाए तो हमारी मोहब्बत मोहब्बत थी ही नहीं, एक लगाव था, सिर्फ एक लगाव। ठीक उसी तरह जिस तरह एक छोटे बच्चे को रोशनी से लगाव हो जाता है और वो अपने हाथ चला बैठता है। सोचो बंटी, अगर हम एक दूसरे को सचमुच प्यार करते तो हम उस बस स्टॉप की भीड़ से नहीं घबराते। पैसा हमारे बीच कभी नहीं आता, और वो झोंपड़ा भी हमें एक महल लगता। ये बात और है कि ये बात मुझे आज समझ में आई, अर्जुन को खोने के बाद। लेकिन सीने में सिर्फ एक ही दिल होता है बंटी, और उस दिल में छल और जमीर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुमने ठीक कहा पिंकी, बसे बसाए घर रेत के घरों देने होते, जो बनाए तोड़े और चल दिए। ये देखो पिंकी, देखो, हम दोनों तो एक ना हो सके, लेकिन अनजाने में हम दोनों के फैसले एक हो गए। साथ फेरे साथ निभाने के होते हैं, साथ तोड़ने के नहीं। चाहे वो साथ अर्जुन श्रॉफ के नाम का क्यों ना हो।